पॉप फ्रांसिस ने कैनेडा के रिहायशी स्कूलों में मूल निवासियों विरुद्ध किए गए अत्याचारों में कैथोलिक चर्च द्वारा सहयोग किए जाने लिए माफी मांग ली है। पॉप ने कहा कि ईसाई भाईचारे में मूल निवासियों नूं जबरदस्ती शामिल करने ने उन्हां दी संस्कृति नूं तबाह कर दिता, जिस नाल उन्हां नूं अपने परिवारों तो वक्ख होना पिया। जिक्र खास है कि पॉप फ्रांसिस ने रिहायशी स्कूलों में मिशनरियों नाल हुए दुर्व्यवहार लिए स्थानक भाईचारे तो माफी मांगने लिए एतवार नूं कैनेडा का इतिहासिक दौरा किया। इस नूं कैथोलिक चर्च दे नेटिव कम्युनिटियां नाल मेल मिलाप करन अते उन्हां नूं समें दे सदमे तों उभरन विच मदद करन दे यत्नां विच इक महत्वपूर्ण कदम वजो देखिया जांदा है। कैनेडियन सरकार ने स्वीकार कीता है कि 19वीं सदी तों 1970 दे दहाके तक सरकारी फंड प्राप्त ईसाई स्कूलों विच शरीरिक अते जिनसी शोषण वड्डे पैमाने ते कीता गया सी। लगभग 1.5 लाख मूल निवासी बच्चियां नूं उन्हां दे परिवारां तों दूर ले जाया गया ते उन्हां दे घरां मूल भाषावां अते सभ्याचारां तों दूर करन ते उन्हां नूं कैनेडा दे ईसाई भाईचारे विच वसण लई मजबूर कीता गया सी।